छत्तीसगढ़ के सरायपाली में विश्व की 790 करोड़ जनसंख्या के कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन हुआ है। ये यज्ञ 9 मार्च तक महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा। आपको बता दें कि प्रयाग से आए गिरिशंकर शास्त्री महाराज और उनके साथ 108 प्रकांड पंडितों के द्वारा प्रतिदिन मंत्र हवन के साथ राम नाम महायज्ञ को संपन्न कराया जा रहा है। सरायपाली से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हम लोग सरायपाली में राम मंदिर में जो भव्य 790 करोड़ की जो जाप की हवन आहुति हो रही है उसमें आज हम शामिल हैं। हम सब महिला बहनें भाइयां भाई सब हम आज इस हवन के भागी हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि यह महायज्ञ हमारे सरायपाली में हो रहा है और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे आप सब जानते हैं हमारे पवन भाई जो राम मंदिर निर्माण होने के बाद यह हवन का ये संकल्प आज पूर्ण होने जा रहा है। हमारे साथ में सभी विद्वान आए हैं और कुल मिलाकर के यहाँ 131 विद्वान हैं। उनके माध्यम से भगवान नाम का जप किया जा रहा है और हमारे साथ में जो विद्वान आए हैं उनके साथ में हमारे साथ में सब याज्ञिक विधि को अपने वैदिक विधि को पूरा करते हैं और सभी वेदों के पारंगत हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। सभी लोग प्रयागराज से आए हैं और ये जो विधान यज्ञ हो रहा है राम नाम महायज्ञ, ये तो पूरे भारत देश में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ। हमारा मानना है कि कोई राजा ऋषि महर्षि रहे होंगे, हमको एक दिन स्वप्न में आया कि कोई ऋषि महर्षि किए होंगे 500 वर्ष पहले ऐसा यज्ञ किए थे। ऐसा एक मेरा मन में भाव है कि विश्व में 790 करोड़ मानव है, सबके नाम से एक राम नाम का जाप किया गया और उसी के दशांश 70 करोड़ 90 लाख आहुतियाँ होंगी इस कुंड में और इसका इसी की पुनावी हो रही है। कोरोना काल में जब पूरा विश्व पर प्रभावित था तो पवन भाई के मन में आया कि पूरे विश्व में सबको शांति के लिए एक राम नाम का माला जपाएं, सबको बैठाए, हम लोग बैठे और राम नाम का पूजन से जाप करते करते 790 करोड़ जाप हुए और इनको कहीं ना कहीं स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है और ये आज के आधुनिक युग के लिए एक संत हैं, ये साधु हैं। मतलब ये जिस परिवार में जन्म लिया और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे सरायपाली में ये हुए और इतनी महान विभूति को पाकर हम लोग भी धन्य हो रहे हैं। आज उस महायज्ञ की पूर्णाहुति का भी समय आ रहा है और रोज 121 महाराज लगे हुए हैं जो भी राम नाम का जाप कर रहे हैं और हम लोग के माध्यम से भी सभी श्रद्धालुओं के माध्यम से सुबह और शाम पूर्णाहुति का भी चलेगा और 79 करोड़ आहुति लगेगी जो दशांश है उसका। और बहुत महायज्ञ में सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और यज्ञ का लाभ उठाएं और इनकी भावनाओं का सम्मान करें।